हेलो गाइस, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत सारे स्टेट्स में इसको महामारी भी घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो में हम समझते हैं कि ब्लैक फंगस होता क्या है। उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि फंगस क्या होता है। फंगस को नॉर्मली हिंदी में हम काई बोलते हैं। ये उस एटमोसफियर में ग्रो होता है जहाँ पर नमी होती है। ये एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मॉइस्ट एटमोसफियर में ग्रो करते हैं। और आपने देखा होगा कि पानी के आसपास की जो दीवारें होती हैं जो लगातार गीली रहती हैं, वहाँ पर हरे रंग की काई जमी होती है। उस काई को ही हम फंगस बोलते हैं। अगर हमारा खाना कुछ दिन तक एक ही जगह पड़ा रहे तो नमी से रिएक्ट करके वो उसके ऊपर एक पीले रंग का लेयर आ जाता है, उसको बोलते हैं फंगस। और जो ब्लैक फंगस है उसी का एक टाइप्स है जो आजकल इंसानों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो पहले ये समझ लो कि ब्लैक फंगस इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि जो फंगस है, जो ब्लैक फंगस है जी, तब से है जब से धरती बनी है, जब से जो पानी है, नमी है, तो आज तक हमारे ऊपर इसने कभी अटैक क्यों नहीं किया। हो सकता है कि अटैक किया हो, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस हो। ये इसलिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि इंसानों की इम्यूनिटी या और जानवरों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उनके ऊपर ब्लैक फंगस का कोई असर नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कि कोई इंसान की इम्यूनिटी इतनी वीक है कि उसको हल्की सी धूल मिट्टी से भी प्रॉब्लम हो, तो उसको ब्लैक फंगस ज़रूर अटैक करेगा। और ब्लैक फंगस का अटैक अगर एक बार हो जाए, यानी कि आपको एक बार ब्लैक फंगस हो गया, तो आपका मरना लगभग 50% तय है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो फंगस ग्रो होना शुरू हो जाता है फिर। तो इसीलिए कोरोना के साथ इसको इसलिए लिंक्ड किया जा रहा है कि जो कोरोना के पेशेंट हैं, जिनको कोरोना सिम्टम बहुत ज़्यादा थे, जो हॉस्पिटलाइज्ड थे, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई। कोरोना का इलाज करते करते आदमी एकदम बिल्कुल वीक पड़ जाता है, और साथ में जो उसकी दवाइयाँ चल रही होती हैं, और अगर उसको शुगर लेवल ज़्यादा हो, अगर वो डायबिटिक्स का पेशेंट हो, और अगर उसके स्टेरॉइड्स भी चालू हों, तो ये सब मिला के उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक कर देते हैं। तो इस वीक सिस्टम में अगर उसको ब्लैक फंगस का अटैक हो, ब्लैक फंगस उसको हो जाए, तो उसके लिए और भी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। तो बस इतना ही कनेक्शन है कोरोना और ब्लैक फंगस का। नॉर्मली आम इंसान को ये कभी हो ही नहीं सकता। और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली इसके सिम्टम्स अभी तक जो बताए हैं, आँखों का लाल होना, ये नाक का लाल होना, नाक में खून बहना, और नॉर्मली ये सिम्टम अगर हमको है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको ब्लैक फंगस ही हो। ब्लैक फंगस आपको दिखाएगा कि आपकी जो स्किन है वो भी एक तरह से ड्राई है, अजीब सी स्किन हो जाएगी, आपके रैशेस पड़ जाएंगे, आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो इन सब केसेस में हो सकता है कि आपको ब्लैक फंगस हो, लेकिन ये नॉर्मल भी हो सकती है आपको। उसके अलावा ब्लैक फंगस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो आप अपने घर पे रहें। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप मास्क पहन के जाएं, ग्लव्स पहन के जाएं, और आके घर आके, वैसे भी गर्मी का मौसम है, घर आके अच्छे से नहाएं, अपनी बॉडी को पूरा स्क्रब करके अच्छे से नहाएं, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और अपने आसपास जो आपका कमरा है वहाँ पर गीले कपड़े, मॉइस्ट एटमोसफेयर क्रिएट ना होने दें, और मिट्टी वाले एरिए में कम से कम जाएं। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक फंगस है वो कोरोना वायरस की तरह कंटीजियस नहीं है। अगर किसी आदमी को ब्लैक फंगस हुआ है तो अगर मैं उसके पास गया तो वो मेरे में नहीं आएगा। जैसे कोरोना वायरस अगर मैं उसके पास जाऊं तो वो मेरे में पक्का प्रवेश करेगा। इसलिए ये कंटीजियस नहीं है कोरोना वायरस की तरह। और इसका जो मोर्टैलिटी रेट है वो कोरोना वायरस से कई गुना ज़्यादा है। कोरोना वायरस का मोर्टैलिटी रेट सिर्फ 2-3% है, और इसका मोर्टैलिटी रेट 50% है। अगर आपको हो जाता है तो 50% चांस है कि आप मर जाओगे। अभी फ़िलहाल हम इतना ही कर सकते हैं कि हम अच्छी डाइट लें, अपनी घर के अंदर रहें, अगर हम बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के निकलें, ग्लव्स पहन के जाएं, ताकि जो हमारा प्रोटेक्शन बना रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी डाइट लें, स्पेशली इम्यूनिटी बूस्टर डाइट को ज़्यादा इंटेक करें। विटामिन सी ले सकते हो आप, विटामिन सी बहुत ज़्यादा चर्चा में आया हुआ है कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होती है। उसके अलावा आप जो बैलेंस डाइट आप घर पे लेते हो वो काफ़ी है आपको, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। थैंक यू।